सो भाई साहब फाइनली एक और वीडियो। भाई साहब क्या सीन चल रहा है OMG 2 टीजर को लेकर के एंड भाई साहब यहाँ पे एक नहीं दो दो पोस्टर्स गाइस यहाँ पे रिलीज किए गए OMG 2 की तरफ से। मतलब भाई साहब यहाँ पे मेकर्स यार कोई समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने दो पोस्टर रिलीज किया था भाई साहब यहाँ में गौतम को क्यों छोड़ दिया यार। उम्मीद लगाए हम लोग बैठे थे कि भाई साहब अक्षय पाजी का आपने पोस्टर रिलीज किया, थोड़े समय बाद आपने गैप दे करके भाई साहब यहाँ पे सेकंड पोस्टर रिलीज कर दिया पंकज त्रिपाठी सर का। एंड भाई साहब हम लोग इंतजार कर रहे थे, यस वी ऑल वी आर वेटिंग फॉर द भाई साहब यहाँ पे न्यू पोस्टर जहाँ पे हम देखने मिले भाई साहब यहाँ पे हमारी दी वन एंड ओनली यामी गौतम। सो उम्मीदें काफी ज्यादा थी बट भाई साहब मेकर्स ने यहाँ पे उसको थर्ड पोस्टर रिलीज नहीं किया। यह भी हो सकता है कि जो तीसरा पोस्टर आए और धासु निकले एंड कहीं ना कहीं उम्मीदें बताई जा रही है कि एक दो दिन के अंदर एक और जबरदस्त पोस्टर आपको मिल सकता है जहाँ गाइज आपको यहाँ पे प्रॉपर बताया जाएगा कि भाई साहब एक्चुअल टीजर कब आएगा। हालांकि हम लोग जो बातें करते हैं कहीं ना कहीं कि किस दिन टीजर आएगा वो आप मान के चले कि यस वही एक्चुअली फाइनल डेट है एंड वही कंफर्म लगभग जितने भी चीज़ें हम लोगों ने आज तक बातें की जितने भी हम लोग कंफर्म करते हैं न्यूज़ों को वो कहीं ना कहीं भाई साहब वही बता रहे हैं अभी भी कि यस 9th of July आप इस चीज़ को मान सकते हैं। यस आप लिख लीजिए चाहे, क्योंकि भाई साहब दो रीजन है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई साहब मेकर्स ये चाहते हैं एंड सेकेंड चीज़ भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी का लकी नंबर आप जानते हैं, जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं इनको मालूम है भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी का लकी नंबर 9 नंबर रहा है। एंड कहीं ना कहीं 9 तारीख एक काफ़ी अच्छा दिन है, उस दिन और भी एक दो मूवीज़ के ट्रेलर वैसे आने वाले हैं बट भाई साहब यहाँ पे अपनी जबरदस्त मूवी भाई साहब OMG 2 का एक फाड़ू एक जबरदस्त कट के साथ भाई साहब एक प्रॉपर लेंथ के साथ भाई साहब यहाँ पे टीजर आने वाला है। अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे दो दो पोस्टर्स रिलीज किए गए, पोस्टर के बारे में किस तरह से पब्लिक के रिएक्शंस है। तो गाइस कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ से काफ़ी सुकून मिला कि अगर मैं एक्चुअल रिएक्शंस की बात करता हूँ सिर्फ फैंस की बात नहीं, क्योंकि फैंस ने काफ़ी ज़बरदस्त अपने रिएक्शंस दिए, फैंस काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से, फैंस भाई सब काफ़ी ज़बरदस्त कैसे एक्साइटेड। एंड हाँ मैं आपको बता दूँ फैंस यहाँ पे सिर्फ अक्षय पाजी हैं इस वजह से एक्साइटेड, भाई सब यहाँ पे फैंस एक्साइटेड हैं पंकज त्रिपाठी की वजह से। कहीं ना कहीं लोग देखना चाहते हैं अक्षय पाजी पंकज त्रिपाठी को फिर एक बार ज़बरदस्त तरीके से धमाका करने के लिए। एंड अगर बात करता हूँ न्यूट्रल ऑडियंस, तो गाइस न्यूट्रल ऑडियंस ने भी काफ़ी कमियां निकालने लग गए ऐसे अजूबे के बारे में क्या बोला। कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा भाई साहब यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं लेफ्ट विंग के जो पार्ट है कहीं ना कहीं जिनमें अक्षय पाजी को यहाँ पे प्रतीक बोराडे ने डालने की कोशिश की थी, सो वैसे लोग भी भाई साहब यहाँ पे इस मूवी के अंदर ऑलरेडी निकल एक्टिविटी ढूंढना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे लोगों को क्या ही कहा जा सकता है बट भाई साहब यहाँ पे कहीं ना कहीं फैंस के अंदर उम्मीदें हैं, फैंस जानते हैं भाई साहब कि ये मूवी डेफिनेटली कुछ जबरदस्त कर सकती है। एंड भाई साहब यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हैं लोगों के कितने सारे भर भर के भाई साहब लोग रिएक्शंस दे रहे, लोग काफी एक्साइटेड, लोग बस चाहते कि यार एक नहीं दो दो पोस्टर आपने दे दिया बट एक में भी भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी आप हिंट दे दे रहे टीजर की, जो कि हम सब सिंपल सी बात जानते हैं कहीं ना कहीं बट एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वहीं कहीं ना कहीं मेकर्स की द्वारा भाई साहब कुछ बताया जाए, मेकर्स के द्वारा कुछ नया रिलीज किया जाए। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बहुत बरकरार अभी भी है एंड आई थिंक लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपको भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई साहब सावन का महीना 4 तारीख से शुरू होना, ऐसे भाई साहब यहाँ पे महादेव आने वाले हैं सावन के महीने में आप जानते हैं। सो उम्मीदें फिर एक बार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हैं एक शानदार पोस्टर के बाद, शानदार पब्लिक रिएक्शंस के बाद एंड खास तौर पे न्यूट्रल ऑडियंस जिस तरह से इस मूवी के लिए एक्साइटेड है। जानते हैं पार्ट 1 के अंदर जिस तरह से भाई साहब यहाँ पे एक नास्तिक आदमी को एक आस्तिक बनाया गया, भाई साहब किस तरह से वहाँ पे परेश रावल का जो कैरेक्टर होता है जिसको भगवान के अंदर बिलीव नहीं होता है किस तरह से वो नॉन बिलीवर से भाई साहब बिलीवर बनता है। एंड सेकंड पार्ट में आप जानते हैं भाई साहब यहाँ पे किस तरह से ऑलरेडी हमारा जो कैरेक्टर भाई साहब यहाँ पंकज त्रिपाठी ऑलरेडी एक बिलीवर साफ साफ नजर आएंगे आपको पोस्टर के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहे, किस तरह से भाई साहब यहाँ पे भोलेनाथ को देख रहे काफी खुश हैं काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे एंड कहीं ना कहीं वैसे आपको साफ साफ नजर आएगा कि काफ़ी उनके चेहरे के ऊपर एक अलग चमक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी भाई साहब यहाँ पर पंकज त्रिपाठी एक बिलीवर हैं, अब ये बिलीवर के लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं किस तरह से भाई साहब यहाँ पे घुमा फिरा के टॉपिक जो है सेक्स एजुकेशन जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ को भाई साहब कवर करती है एंड ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप जानते हैं अक्षय कुमार ही कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं फिर एक बार सोसाइटी को एक ज़बरदस्त मैसेज देने के लिए अक्षय पाजी आ रहे हैं एंड टीजर आप जानते हैं फिर एक बार घुमा फिरा के हम लोग आते हैं टीजर के ऊपर। टीजर आप जानते हैं गाइस 9th of July आप
चीज को कवर कर लीजिए। 10 तारीख से पहले 9 तारीख को आपको मिल सकता है। अब भगवान ना जाने कि सडनली लोग ड्रॉप अगर कर दे तो बात की बात है, लेकिन भाई सब यहाँ पे प्लान के हिसाब से अभी भी 9 तारीख कंफर्म है, 9th of July टीजर उसी दिन आपको मिल सकता है। आई एम श्योर गाइज बहुत जल्दी इन लोगों को जबरदस्त पोस्टर के जरिए, जबरदस्त कुछ भी यहाँ पे अक्षय बाजी हिंट दे करके प्रॉपर अपडेट दे देंगे। तब तक के लिए आप बस इंजॉय करिए इस पोस्टर्स को, अपने फ्रेंड लोग को सजेस्ट के लोगों को बताइए कि कितना जबरदस्त पोस्टर यहाँ पे, कितना जबरदस्त मूवी आ रही है भाई साहब यहाँ पे, अक्षय बाजी किस तरह से फिर एक बार लोगों के लिए कुछ जबरदस्त लेकर के आ रहा है। तब तक के लिए इंजॉय करें इस पोस्टर को एंड जस्ट वेट फॉर कुछ जबरदस्त, फिर एक बार हम लोग वेट करते हैं आने का मेकर्स को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो तक। बाय बाय, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।